हेलो एवरीवन, आज हम मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। डीवाई पाटिल जैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर इनका क्वालिटी कैंपस है। जी हां, आपने सही गेस किया है, आज हम बात करेंगे राम राव अड़िक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। अगर हम इनको यूनिवर्सिटी रैंक देखें तो इनको ऑल ओवर इंडिया 77th रैंक है, और वहीं अगर हम इंजीनियरिंग सेक्शन की रैंक देखें तो इनको ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 172nd रैंक दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। अब इसी के साथ ही इनको कई सारी अदर टॉप प्राइवेट एजेंसीज ने भी रैंकिंग्स दी हुई है। वहीं अगर हम जैसे टाइम्स रैंकिंग की बात करें तो टाइम्स रैंकिंग ने इनको कई सारी क्वालिटी रैंकिंग्स दी हुई है, जैसे कि प्लेसमेंट में इनको ऑल ओवर इंडिया इनको 9th रैंक दिया हुआ है टाइम्स ने। और वहीं अगर हम इंजीनियरिंग सेक्शन की बात करें तो उन्होंने 11th रैंक दिया हुआ है और रीजनल 3rd रैंक है। अब इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आज हम और भी कई सारी बातें जानने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और कैसे यहाँ पे बच्चों को 20 लाख पर एनम तक के प्लेसमेंट्स मिले हुए हैं और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सो व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हर्ष चंद्रा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इनेबल बेल नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। सो गाइज, सबसे पहले हम इस क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपली आपको उनके वेबसाइट पे जाना है, यानी कि dypatil.edu पे, और वहाँ पे आपको एडमिशन टैब पे टिक करना है। वहाँ पे आपको टोटल प्रोसेस मिल जाएगा एडमिशन का। अब यहाँ पे आपको MST CET थ्रू एडमिशन मिलेगा, यानी कि MST CET यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। ये प्री एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब उसमें अच्छे रैंक्स भी लाने पड़ेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर का कट ऑफ दिया हुआ है, ताकि आपको एक एवरेज आइडिया आ जाए कि कितने कट ऑफ पे यहाँ पे कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। या फिर इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर आप लोग ज़रूर टिक कीजिएगा। अब वहीं अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोग्राम्स मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर PhD हो। अब जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, यानी कि आफ्टर 12th अगर आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो आपको कई सारी क्वालिटी इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे कई सारे सब टाइप्स है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे 4 सब टाइप्स है। और इसके बाद अगर हम IT हो, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो, तो कई सारी वैरायटी ऑफ ब्रांचेस आप लोग के लिए यहाँ पे है, नो डाउट। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट फैसिलिटीज़ देखें तो कई सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी आप लोगों के लिए यहाँ पे है, चाहे आपका हॉस्टल हो, मेस हो। अब इसी में अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें इस इंस्टीट्यूशन की, तो नो डाउट ऑल ओवर इंडिया DY पाटिल स्पोर्ट्स सेंटर ऑलरेडी फेमस है। यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आप लोग के लिए है, ऑन कैंपस स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको सब यहाँ पे मिल जाता है। आप इनके वेबसाइट पे भी ये सब डिटेल्स देख सकते हैं। अब जाते जाते हम लास्ट में इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ का प्लेसमेंट कैसा रहेगा। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आप लोग को कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट को 20 लाख पर एनम तक के प्लेसमेंट्स मिले हुए हैं। अब इस पैंडेमिक जैसे सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 450 प्लस प्लेसमेंट ड्राइव हो चुकी है, यानी कि इतनी कंपनियाँ आ चुकी है प्लेसमेंट के लिए, और 5000 के ऊपर तक के प्लेसमेंट ऑफर स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिए गए हैं, और उसमें 500 से ऊपर के ड्रीम ऑफर स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। जी हाँ, ये अपने आप में कभी काफ़ी बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट CTC गया हुआ है इस बार का 16.75 लाख पर एनम का गया हुआ है, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन ओवरऑल एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट को लेके काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ ही है, और साथ ही में इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी स्टूडेंट को लेके काफ़ी बढ़िया साबित रहा है। तो इसीलिए आज हमने फ्रेशर्स गेट के स्पेशल सेशन में इस इंस्टीट्यूशन को लेके ये वीडियो बनाया है। मुझे आशा है कि आपको ये आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए हमें हमेशा सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा के रखें। अगली बार फिर मिलते हैं और एक नए एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।